अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी ठीक हैं। तो माशाल्लाह से घड़ी जो है अभी हम लगाना शुरू कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी हमारी घड़ी है। अभी इसको जो है लगाते हैं। अभी जो कुछ देर पहले मैं लगा रहा था ना, उस वक्त मैं इसको गलत लगा रहा था। ये जो है ना यहाँ पर लगेगी, ऐसे ऐसे करके लगेगी और ये नीचे वाली साइड पर आएगी। आप इस्लाम कर दें जी। मैंने अहमद को कहा है कि आप दरमियान में लगाएं, प्यारी लगेगी, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी, अपनी बात मान रहा है। ये जो रोशन दान ना, इसके नीचे प्यारी लगेगी। ये जगह बच जाएगी, यहाँ पे कोई और चीज लगाएंगे। दरमियान में इसको बच लगा देंगे, सही नहीं लगेगी फिर। चलो आपको क्या पता है, बस कर दो, इतना अंदर ना करो उसको। यहाँ पे लगाएंगे ना, यहाँ पे देखिए जगह काफी बच गई है, तो यहाँ पे हम कोई और चीज जब लगाएंगे ना बहुत प्यारी लगेगी। हाँ चलो अब उठाओ इसको, उठा ना मुझे। माशाल्लाह ये है भी बहुत प्यारी, और हमारी नीचे जो है बेडशीट भी बहुत प्यारी लग रही है ना। ये लो, ये तो लगा लो इसके अंदर, काफी नीचे इसने लगाई है, ये देखे ना। सही है, ऐसे ही होती है, और कितना ऊंचा लगाऊं? लग गई है। हाँ दिखाओ, फिट हो गई है उसके अंदर। हाँ ये लो, फिर ख्याल करना वो टूट ही ना जाए। अब अरहम यहाँ पे खड़ा होता, देखना इसको हाथ नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे, इधर जाएगा तो पहुंचेगा वरना नहीं। हाँ हरकत करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी हरकतें करता है बहुत ज्यादा वो, फिर वो ना हो के तो ख्याल करना ना उसका। चलें जी, आज हम आपको बताएंगे कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बहुत ही स्पेशल बना रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बनता है। आज मैंने वहाँ पे देखा बड़ा गोश्त जो है वो बना रहे थे, और काफ़ी ना मतलब अच्छा, ये खुद ही हिलता रहेगा। वो जो अंदर सोई है ना, हाँ वो जब हिलना शुरू हो गया ना, क्योंकि ये ना इसके अंदर सेल होता है। हाँ सेल के जरिए से ना वो अपने आप ऐसे ऐसे होता है कि इसको भी ना वो अपने आप ही मूव करेगा। हाँ पेंट होता ना फिर, माशाल्लाह कमरा बहुत प्यारा लगना था। ये घड़ी बहुत प्यारी, अभी टाइम सही है, देखो टाइम क्या है, हुआ है, टाइम 3 बज गए हैं। हाँ 3 बज के 2 मिनट है। हाँ सही है। हाँ क्या टाइम है? सही है, सही है। नीचे वो जो गोल तारे खड़े हैं देखो, दो इधर है, दो से इधर है ना, सीधी जो है ये जो है। हाँ नीचे वाले छोटे छोटे डब्बे गोल तारे टिक्के, ये वाले। हाँ अच्छा, इसके से देखो दो आगे है। अच्छा हाँ सही बात है, मुझे वैसे चलता है पता, मतलब ये सुई अगर यहाँ पे होगी फिर 5 होंगे ना। हाँ हाँ फिर ये 3 के जो है वो 3 के वाला, फिर 6 ये सेकंड हो गए, वो मिनट हो गए। हाँ हाँ चलता है पता, ये सेकंड है ना। मेरे आप उस्ताद हो। हाँ शुक्र किसी चीज में, शुक्र है इसने उस्ताद, मैंने उस्ताद कहा, ये खुश हो गई है। ये जो है ना मुझे उठवा दो, फिर मैं मस्जिद में लगवा के आता हूँ। अभी जी मैं जा रहा हूँ इसको मस्जिद में छोड़ने के लिए, वहाँ पे लगवाते भी हैं। स्पीकर को हमने लगवा दिए थे पहले ही, जो मैं उस दिन दे के आया था। अभी चलते हैं और इसको जो है वो छोड़ के आते हैं। अभी देखते हैं इसका टाइम जो है वो ठीक है या नहीं है। 3 बज के, हाँ ठीक है जी, इसका टाइम भी ओके है। वैसे मैंने उधर ना खड़े होकर मैंने टाइम सेट करवाया था उसको, मैंने कहा था आप टाइम सेट कर दें। और बाकी ये जो है ना हमारी घड़ियाँ, ये हम इनका टाइम जो है जाते हैं हाफ हिसाब से पूछते हैं, और फिर बैठ के ना इनका टाइम हम उसी वक्त ठीक कर लेंगे। पीछे से ना इसको खोल के सेट करना होता है, इधर से ये खुल जाती है इधर से, फिर हम इसको जो है ना उधर बैठ के ना इसको हम इनके टाइम जो टाइम होगा ना, फजर का, इशा का, जुमा मुबारक का, मगरिब का, ये जो भी टाइम होगा हमारे पास, इस इन घड़ियों को हम फिक्स करके वहाँ पे लगा देंगे। जो पहले हम ले रहे थे ना वो डिजिटल क्लॉक थी जलने वाली, वो बिजली पे चलती थी, फिर हमने वो जो है ना वो नहीं ली। पहले हमारा वैसे माइंड वही था उसका लेने का, लेकिन वो फिर दुकानदार ने कहा कि इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, और इसका जो है ना ले जाते हैं अगर जल गई तो हम फिर चेंज नहीं करेंगे, और इसकी जो है 1 साल की वारंटी भी है, 1 साल में अगर कुछ इसको हो जाता है तो हम उनको चेंज उनसे चेंज करवा सकते हैं, या फिर हमें वो फ्री बना के देंगे इसको। तो फिर मैंने जो वो थी ना वो महंगी भी काफ़ी थी, वो दे रहा था 25,000 रुपये की, तो फिर मैंने वो नहीं ली इसलिए। तो ये इसकी प्राइस भी कम है और उसकी निस्बत ये अच्छी भी है, वो उसका फ़ायदा भी नहीं था। उसने कहा कि
काफ़ी बार ये ख़राब हुई हैं, फिर मौलाना हजरत जो हैं फिर हमें आते हैं, हमें फिर वो बुरा भला कहते हैं, फिर 500,000 हमें बचत होती है, 500,000 की खातिर 700 की खातिर हम गालियां भी खाते हैं और गुनाह भी सर पे उठाते हैं। उससे बेहतर है हम खुद वो देते ही नहीं है किसी को, क्योंकि वो जो है ना जल्दी ख़राब हो जाती है। अभी जी हम अल्हम्दुलिल्लाह घड़ी को लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो इधर लगाएं। जी जी इधर। अच्छा इसके साइज की थोड़ी सी ऊंची ना करें इसको, ठीक है यहाँ पे। हाँ हाँ, किल वगैरह पड़े हैं हमारे पास ना, स्टील के किल भी हैं पड़े, और थोड़ी भी पड़ी होगी मेरे ख्याल में इधर। ये पहले मैं आया था ना, जब मैंने पर्दे लगाए थे ना तब मैंने ये थोड़ी भी रखी थी। ये पड़ेगी, ये प्लास है, प्लास की जरूरत नहीं है, हथौड़ी पस दे दें। किल भी देखते हैं, किल और हथौड़ी है। हाँ जी आ गए पढ़ने साहब, आ गए हो पढ़ने, चलो माशाल्लाह बैठो बैठो पढ़ो। फिर क्या करना, घड़ी का ना ख्याल करना, इन्हें खोलना दरवाजा। सिपारे में और भी ले आया था, मैंने कहा अगर जरूरत हो ना फिर मुझे बताइएगा, मैं ले आऊँगा, घर में पड़े हैं सिपारे और, ले आऊँगा इंशाल्लाह। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना सारी सेटिंग कर ली है, यहाँ घड़ी भी लगा ली है, और इसी स्पीकर की सिर्फ तार नहीं है हमारे पास, बाकी वो स्पीकर जो चलता है ठीक है। माशाल्लाह जी चेक करें, घड़ी जो है वो चल रही है हमारे घर वाली, तो इसके साथ पिंडोलियम भी हिल रहा है उसका। ये जब कोई हमारे घर में नया बंदा आएगा ना हमारे गांव का, वो हैरान होगा कि ये कैसे जो है ना घड़ी है, कौन सी घड़ी है। एक और भी घड़ी थी उसके इसी तरह की, उसके ऊपर जो है ना वो घर बना हुआ था ऐसे ऐसे, तो वो जो है ना उन्होंने कहा कि अगर ये लेना चाहें तो ये भी है, मैंने फिर यही ले ली, ये भी अच्छी है प्यारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोटी वगैरह यहाँ पकना शुरू हो चुकी है, आज हमने पकाए हैं गाजर और मटर। हाँ जी गाजर मटर और मेथी, मेथी हाँ हाँ ये भी अच्छी पक दी है मेथी भी। आप लोगों ने खा लिया? अभी तो रोटी बनाई है। अच्छा और अम्मा बैठी है, सलाम कर दो। सलाम अलैकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। और कुछ कोई बात करनी है आपने? अम्मा कह रही है मेरी वीडियो नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता? बना तो रहा हूँ अब क्या करूँ, अभी आके बनाइए, कब सुबह से अम्मा आई हुई है। अम्मा वाला बुलेंदी है क्या? ना वाला हूँ बोल ना अम्मा वाला। आज अम्मा ने मुझे ना बहुत अच्छी नाक भी है, पता नहीं धमाल है क्या इस टाइप की। आपको नहीं पता क्या लगता? नहीं ये ना पुराने जमाने की थी तो मुझे समझ नहीं, समझ आई है वैसे बहुत अच्छी थी। सुना अम्मा वाला सुना, अम्मा सुना स्वामी विठी लीलामत पावा झोली। वाह माशाल्लाह, मत पावा झोली मिठी मिठी लल्ला दीवाली बोली या लोरी बोली? अच्छा बोली मिठी मत पावा झोली लकरा मत पावा झोली तेरे रोजे पाक ते आवा मत दिल दे मतलब पावा माशाल्लाह जी। मत
बकवावा मेको कौन सने दे भोली मिठी लल्ला दी बोली मिठी लल्ला दी बोली तेरा रोजा पा दूरे तेरा रोजा पाक दूरे मता अवण लाल जरूर माशाल्लाह जी जरूर। अच्छा इसका मतलब क्या है अम्मा, इना मतलब क्या है? ये पता। इसका मतलब है कि उर्दू में है मतलब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना एक अपने दिल का दर्द है इस नात में ना। हमारा जो नबी था ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये उसका उसके रोजे की बात हो रही है कि वो कहती है तेरा रोजा बहुत पाक दूर है मतलब जरूर है मेरी दिल बहु मजबूर है। हाँ इसका मतलब है कि आपका रोजा बहुत दूर है लेकिन मेरे लाल मैंने जरूर आना है। हाँ लेकिन मेरी दिल जो है वो बहुत मजबूर है, दूर जो है मैं आ नहीं सकती। माशाल्लाह जी रब आखे जबरील जलती घिना खातर बैठा मैं मंगदा दुआ खातर बैठा मंगदा दुआ चढ़ा अरशां ते ना तू लैन चुका तेरे लाल बुराक भिजेदा पे माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अम्मा की आवाज बहुत प्यारी है जी। अम्मा पूरा सुनाएगी, चुप करके माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बहुत दिल को सुकून आया बोल सुन के। जो लोग सराकी हैं ना उनको समझ आई होगी कि काफी 3-4 मिनट की नात सुनाई है अम्मा ने, तो इसका तर्जमा तो मैं आपको इतना लंबा नहीं बता सकता, लेकिन ये सब जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे थी ना, उसके रोजे मुबारक पे थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मक्का शरीफ है ना, मक्का शरीफ जो है ना उसकी, तो ये सराकी में थी ना, तो इसको इसलिए कुछ को समझ आई होगी कुछ को समझ नहीं आई होगी। तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी नाच सुनाई है, मेरा दिल खुश हो गया सुनकर। अभी फिर जो है ना बादल वगैरह आसमान पे बनना शुरू हो चुके हैं, सुबह अल्लाह करे ना हो ये बादल, मैं तो डर रहा हूँ अभी से इनको देखकर। हाँ वे आज नहाया है आपने? आज आपने नहाया है ना, देखो अच्छे भी लग रहे हो। हाँ जब नहीं नहाते ना ऐसे बंदर से लग रहे होते हो। मुझे ये रोज रोज धाऊं क्या? हाँ तो रोज रोज नहाओ ना। आप धाते हैं रोज? और नहीं तो क्या, जो बच्चा स्कूल पढ़ता है ना वो रोज रोज नहाता है, जो अच्छा लगता है वो। सवेरे सर्दी होती है फिर कैसे नहाए? फिर क्या होगा, नहा लिया करो ना। नहा लिया करो, स्कूल में जाते हैं फिर सर्दी होती है। कुछ नहीं होता, सर्दी होती है, अभी सर्दियां खत्म हो जाएंगी देखना, आई समझ। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदम में रख दूं मैं जान मेरी। बस रहने दो, खाना खा लो अब। हमें ना रात को ना इतनी सर्दी लग रही थी, हम नए कमरे में सोए, इधर सोते थे वो भड़क जाता था, इधर सोए हैं तो इसमें भड़क क्या होता है, कमरा गर्म हो जाता था काफी। आप ऐसे करो ना, आप तो सो जाओ जाए ना आराम, और आप बेड के ऊपर, मैं सो जाऊंगा चारपाई के ऊपर। चारपाई के ऊपर ठंड लगती है क्योंकि मैं अकेला होता हूँ ना नीचे, मैं चारपाई के नीचे मैं 2-3 गिनोले और बिछा लूंगा गिनिया। हाँ फिर वो मोटी मोटी जगह हो जाएगी ना, फिर सर्दी नहीं लगेगी। ठीक है आप बेड पे सो जाना आज। हाँ
वैसे भी मुझे ना बेड पे मजा नहीं आता सोने का। चलो हाँ, मैं चार पाए के ऊपर पीछे से ना सर के वाली साइड पे ना दो ईंटें दे देता हूँ, ऊंची जगह हो जाती है, मजे से सोता हूँ। वो बेड के नीचे मैं ईंटें दे नहीं सकता, वो फिर वो रात भी मुझे ना बड़ी मुश्किल हुई, मैंने बस ऐसे मुश्किल से रात गुजारी पूरी। चलो फिर मुझे रोटी दे दो। अब बादल देखो दोबारा बन गए आसमान के ऊपर, अल्लाह करे सुबह ना हो, है ना। लगता है इसके ऊपर ये कवर दे दिया, मैं क्या फिर इसको अंदर खड़ी कर दूँ, है ना। हाँ तो सही है ना, अंदर खड़ी करो। लगता है सुबह बादल ही होंगे, देखना आसमान के ऊपर। आसमान वैसे लग पाया प्यारा रहा है बहुत बादलों की वजह से। चलो फिर दे दो मुझे रोटी। नहीं करो, मैंने ऊपर दिया, क्यों खींच रहे हो इसको? उल्टे काम है जी इसके। चलो दे दो रोटी, दे दो। हमारा जो मदरसा है ना, मस्जिद वाली जो हमारी मस्जिद बनवाई थी हमने, उसकी अजान की आवाज माशाल्लाह यहाँ तक आती है। हालांकि तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर का सफर है, काफी सारा सफर है माशाल्लाह, लेकिन उसका उसकी यहाँ तक आवाज़ आती है। अभी जो हमारा मौलवी है मौलवी शकूर, वो वहाँ पे पढ़ रहा था सूरत, तो उसकी आवाज़ यहाँ पे आ रही थी, है ना आरम। मैंने आरम को बताया, मैंने कहा आरम देखो हमारे यहाँ जो मौलाना है ना, उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है स्पीकर की, कुरान पाक पढ़ने की। ये जो अजान मिलती है यहाँ पे, उसकी आवाज़ हम तक कहाँ तक कैसे पहुँचती है? स्पीकर से पहुँचती है ना, तो वो भी स्पीकर से पहुंचती है। स्पीकर ऐसे करती है, बहुत सारी अपनी आवाज देते हैं, किसी और की नाल नाल देते हैं। हाँ हाँ देते हैं, ठीक है। उठाओ इसको अंदर रखो। क्यों उठा के आए हो बाहर? इसके अंदर जी हमारी दो तो रजाइयां हैं जो हम आज लेके आए हैं, और बाकी जो है ना वो चार पहियों के और बेड के कवर हैं। ले चलो अंदर, ले चलो इनको। दोबारा पढ़ना शुरू हो गया है, आ रही है ना आवाज हल्की हल्की आती है, लेकिन आती है। अभी मैं बाजार से भी दूध लेके आ गया हूँ, और आंटी वालों की भैंस ने भी दूध दे दिया अभी मुझे उन्होंने की कॉल आई थी कि आए और दूध ले जाएं, तो फिर मैंने कहा कि मैं तो बाजार से भी ले आया हूँ, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं इनसे भी ना दूध, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा दूध जो है ना वैसे भी इस्तेमाल होता रहता है, तो ले लेते हैं जी, और इनका भी इधर से भी लेके ना इस्तेमाल कर लेंगे दूध हम। तो अभी जो है ना रखते हैं फ्रिज के अंदर। यार समीना फ्रिज के अंदर रखो, कहाँ रखूँ दूध? किचन के अंदर? ढक्कना खोल दूँ? ढक्कन मिला रहे, बंद करो ढक्कन। अच्छा चलें जी, ऐसे ही रख देते हैं जैसे ढक्कन बंद है इसका। वैसे हमारा पहले भी दूध पड़ा हुआ है, ये वाला बॉयल तो नहीं हुआ, ऐसे ही कच्चा पड़ा हुआ है, और फिर ये भी ना हो गया, फिर सुबह इसको सबीना खुद बॉयल करती रहेगी और फिर इस्तेमाल करती रहेगी, कुछ बचा के रखती है कुछ इस्तेमाल करती है, फिर 2-3 दिन चल जाता है। अब मैं लेके आया था 180 रुपये का, मतलब 130 रुपये किलो है हमारे पास दूध, तो 180 रुपये का मैं लेके आया था, मतलब 1 किलो और 50 रुपये का और हो गया, तो वो मैं लेके आया था। फिर वो भी पड़ा हुआ है, और फिर आधा किलो आंटी वालों से भी लेके आया हूँ, मतलब हमारे पास 2 किलो दूध पड़ा हुआ है अभी, तो 2 किलो जो दूध जो है ना, ये हम 3-4 दिन 5 दिन इसको गुजार लेंगे। तो अभी ये सो गए हैं अभी, देखें समीना और हम लेटे हुए हैं कहते हैं सर्दी लगी हुई है, तो मैं भी ना दरवाज़ा इसका दरवाज़ा कर देता हूँ हल्का सा बंद, क्योंकि अभी तो मैं घूम रहा हूँ कुछ देर ना, मैंने वीडियो वगैरह भी डालनी होती है और भी काम करने होते हैं, सारा घर जो है वो क्लोज करके इशा की नमाज के बाद फिर मैं जो है सो जाता हूँ। तो हिल रहा है जी हमारा पिंडोरियम, तो कपड़े यहाँ पे सूखने के लिए डले हुए हैं आज, क्योंकि धोए थे ना इसने, ये बिल्कुल ही गीले हैं। वैसे धूप माशाल्लाह निकली हुई थी आज, मेरे काफ़ी जो है वो सूख गए होंगे, ये आधे सूख गए होंगे, आधे फिर सुबह जो है ना वो सूखेंगे माशाल्लाह। ये कमरा जो है ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, उधर भी कपड़े जो है ना वो गीले हुए हैं, ये सूखने के लिए डाले हुए हैं, तो जो ही सूख जाएंगे फिर ये चारपाई के ऊपर जो है ना ये कवर इसका सीधा कर लेंगे, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने सुबह ज़िंदगी रखी तो इसको मैं अंदर से ना वाइट वॉश कर दूंगा समीना को,
अंदर से मैं कर दूंगा इसको, वो जो हमारे पास ग्रीन पेंट नहीं पड़ा हुआ डिस्टेम्बर, वो मैं कर दूंगा इसको। तो वही जो है ना ये प्यारा लगेगा इसके अंदर, बहुत प्यारा लगेगा। चलें जी, ये हमारे अब चार्ज की जगह बन गई, क्योंकि उधर से तो हमने ना ज़्यादा नहीं जाना, ना ही मोबाइल वगैरह हम वहाँ पे लगाने हैं सारी रात। तो हम जो है ना अब यहाँ पे सोते हैं इस कमरे में, तो हम यहाँ पे जो है ना इसका चार्ज का चार्ज की जगह बनानी है। यहाँ पे जो है ना हमारा मोबाइल पड़ा रहेगा इस बाइक के ऊपर या इस जगह के ऊपर, देखें सीट के ऊपर। तो यहाँ दो तीन मोबाइल आराम से आ जाते हैं, तो ये मोटरसाइकिल भी हिफाजत में खड़ा रहेगा यहाँ पे, और हमारी चार्ज की जगह भी बन जाएगी। वैसे हमारा माइंड था कि हम इस मोटरसाइकिल को ना यहाँ पे खड़ा कर दें इस जगह के ऊपर, लेकिन फिर हमने चेंज किया माइंड कि यहाँ पे हम ना कोई ऐसा सेटअप बनाएंगे कि हम यहाँ पे अपने बैठने का सेटअप बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे या उधर बनाएंगे, नीचे जिस तरह गाँव में ना एक कचहरी लगाते थे लोग नीचे बैठते थे, हम इंशाल्लाह वैसा कुछ सेटअप बनाएंगे घर में, ताकि हमारा घर विलेज टाइप का लगे। क्योंकि आप देखें ना ऐसे पक्का पक्का है ना सारा, ऐसे लगता है जिस तरह कोई मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल लोग यहाँ पे, क्योंकि हम तो आपको पता है पेंडू हैं, विलेजर हैं, हमने उस हिसाब से इसको ना इसकी सेटिंग में करनी है, मेंटेन रखना है इसको। अब देखें चादरें भी मैं उसी हिसाब से मैं लेके आया हूँ, ताकि हम विलेजर लगें, ऐसे ना लगें कि हम जो है ना वो शहरी टाइप जिस तरह होता है ना घर, वैसा ना लगी हमारा घर। वैसे अब पक्का बन चुका है तो ऐसे ही लगता है, है ना? हाँ जी। अरहम अरहम जो है ना वो देख रहा है, इसकी अम्मी जो है ना वो सोई हुई है, सोई हुई तो नहीं है, जाग रही है, लेकिन बस गोठ मारा हुआ है इसने, है ना? हाँ गुठी है ना, क्या इसको मैंने कहा टोपी पहन लो, सर्दी है। हाँ मेरी जगह नहीं बनाई, बनाते हैं आपकी भी। अच्छा तो प्यारे बहन भाइयों, हाँ आप हमारे साथ सोएंगे? नहीं भाई मैं नहीं सोना, हाँ माफी है, अपनी जगह मैं सोऊंगा इधर। तो प्यारे बहन भाइयों ऐसे लोग यहाँ पे एंड करेंगे जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखा, तब तक अल्लाह हाफिज़।